झाला तूच हवी झाला तुझा नशा ऋषी मंगेश दिलाची राणी तू सुरमई वाणी तू तुझ्या विचारात रमलो मी दानशील तुझी कट्यार डोळ्यामध्ये काच नजरेत खपलो मी पोरी तुला खबर नाही तुझा सो गाइस सबसे पहले आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। और अगर फ्रेंड्स आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तब आप हाउ टू डाउनलोड वीडियोस देख सकते हैं, वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। और यहां पर आपको इस प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, 1:1 रेशियो को चूज़ करना है और इस सेटिंग का ऑप्शन पर चले जाना है और इस एडिटिंग का ऑप्शन पर, और यहां पर आपको फिल स्क्रीन करना है। देन गाइस यहां पर जो आप सेकंड देख रहे हो इसे आपको पूरा स्टार्टिंग टाइम तक ला देना है। उसके बाद आपको यहां पर इस राइट का ऑप्शन पर क्लिक करना है और जिस इमेज पे आप स्टेटस कर रहे हो उस इमेज को मतलब सिंपली आप इंपोर्ट कर दें। तो यहां पर मैं इस इमेज सबको इंपोर्ट कर लेता हूं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर इसे आपको कुछ बड़ा करना है और हर इमेज पर आपको क्लिक करके वीनिएट को ज़रूर एनेबल करना है। तो यहां पर मैं हर इमेज को वीनिएट को एनेबल कर देता हूं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीडियो का टाइम 1 सेकंड है। तो यहाँ पर आप जितना फोटो ऐड करोगे ये वीडियो का टाइम बढ़ते जाएगा। तो उसके बाद आपको इस शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसे HD क्वालिटी पे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको प्लस के आइकन पे फिर से क्लिक करना है, 1:1 रेशियो को चूज़ करना है और इस बैकग्राउंड के ऑप्शन पर चले जाना है और ब्लैक कलर का बैकग्राउंड की इम्पोर्ट करना है और इसका टाइमिंग को आपको 5 सेकंड तक कर लेना है। देन गाइस आपको इस लेयर का ऑप्शन पर चले जाना है और इस टेक्स्ट का ऑप्शन पर, और यहाँ पर आप अपने नेम या जो भी आप टाइप करना चाहते हो सिंपली आप टाइप कर लें। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसे आपको एंड टाइम तक करना है और यहाँ पर आपको इस ए का ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फॉन्ट सब देखने को मिलेंगे। जो फॉन्ट आपको पसंद है आप सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन गाइस आपको कुछ इसे बड़ा करना है, लाइक यहाँ पर देख सकते हो, और इसे आपको नीचे पर यहीं पर रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस लेयर का ऑप्शन पर चले जाना है, इस इफेक्ट का ऑप्शन पर, और यहाँ पर गेट मोड पर चले जाना है और अपना इंटरनेट को ऑन करना है और यहाँ से आप सिंपली क्रोमेटिक ग्लिच कह के इस इफेक्ट को डाउनलोड करना है। तो ये इफेक्ट को डाउनलोड करने के बाद आपको इसे एंड टाइम तक करना है और यहाँ पर आपको इसका रेशियो को फुल करना है, इस सेटिंग का ऑप्शन पर चले जाना है और इसे आपको 2 तक करना है और यहाँ पर आपको इसे 14 या 15 तक कर सकते हैं सिंपली। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसे, और उसके बाद आपको यहाँ पर इस मीडिया का ऑप्शन पर चले जाना है और जो आप एक्सपोर्ट किए उस वीडियो को यहाँ पर बहुत सारा वीडियो को इंपोर्ट कर देना है। सो गाइस उसके बाद आपको क्या करना है, इस ऑडियो का ऑप्शन पर चले जाना है और आपको इस ऑडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, तो आपको इस ऑडियो को इंपोर्ट करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर इस लेयर का ऑप्शन पर चले जाना है और इस मीडिया का ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको ये स्पेशल इफेक्ट वीडियो को इंपोर्ट करना है और कुछ टाइम के लिए स्टार्टिंग टाइम इसका कट करना है। देन गाइस होल्ड करके आपको इसे स्टार्टिंग टाइम तक ला देना है और यहाँ पर क्लिक करके आपको इसे फिट करना है, ब्लेंडिंग पर चले जाना है और यहाँ पर स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। सो गाइस उसके बाद आपको यहाँ पर इस ब्लैक कलर बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पर एंड टाइम तक आना है और इस लेयर का ऑप्शन पर चले जाना है और इस मीडिया का ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको ये कलर वीडियो को इम्पोर्ट करना है। तो इस वीडियो को इम्पोर्ट करने के बाद आपको इसे फिट करना है और नीचे पर आपको ब्लेंडिंग पर चले जाना है और यहाँ पर स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस लेयर का ऑप्शन पर चले जाना है और इस मीडिया का ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको इस बॉर्डर को इंपोर्ट करना है। तो बॉर्डर को इंपोर्ट करने के बाद आपको इसे फिट करना है और इसे एंड टाइम तक करना है आपको सिंपली। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फिर से इस ब्लैक कलर मतलब उस पर क्लिक करना है और एंड टाइम तक आ जाना है और यहाँ पर उसके बाद फिर से आपको इस बॉर्डर पर क्लिक करना है, इस कैंची का ऑप्शन या कट का ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ पर स्प्लिट करना है और आपको इस पार्ट को चूज़ करना है और यहाँ पर ब्लेंडिंग पर चले जाना है और यहाँ पर ओवरले पर क्लिक कर देना है। सो गाइस अगर आपको लोगो रहता है तो अच्छी बात, वरना यहाँ पर टेक्स्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप सिंपली नेम टाइप करके एक अच्छा सा फॉन्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना लोगो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो लोगो को इंपोर्ट करने के बाद आपको इसे एंड टाइम तक करना है कुछ लाइक दिस, और उसके बाद आपको कुछ इसे छोटा करना है और यहाँ पर आपको इस मतलब इसके नीचे पर रखना है। देन इस 3 डॉट पर क्लिक करना है और इसे आपको सेंड टू बैक कर देना है। ऐसे करके सिंपली आप बना सकते हो ये वाला स्टेटस। तो बस फ्रेंड्स चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वाला टेली को क्लिक कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पर प्लीज फॉलो कर लें। सो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज प्लीज प्लीज, और इंस्टाग्राम पर फॉलो प्लीज कर लें। तो मैं मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।